Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal comes under the CBI lens. The CBI has registered a preliminary inquiry into allegations regarding the renovation of Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. The CBI has directed the PWD department to hand over all documents by October third. The central probe agency will inquire into all aspects of alleged irregularities that came to light after an inquiry was conducted by the Delhi Chief Secretary. The inquiry has been ordered based on a five-page letter written by delhi left and governor vk Saksana to the cbi director in may reacting sharply to the development bjp accused delhi chief minister of uh, engaging in corruption under the garb of house renovation the saffron party has branded kejriwal sarkar as a government of criminals Arvind kejriwal government is government of criminals run by क्रिमिनल्स इन a manner of क्रिमिनल्स हम बहुत बार करप्शन की बात करते हैं लेकिन आज हमें यह सब कुछ देख के लगता है कि ये गवर्नमेंट अपराधियों के द्वारा चलाई जा रही है और सीबीआई की जांच इसमें सही मायने में तह तक जाकर के ऐसे लोगों को सजा दिला पाएगी ऐसा मेरा विश्वास है सुल्तान केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का महल बनाते हैं। ये सुल्तान केजरीवाल की कहानी है और सुल्तान केजरीवाल ने जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए दिल्ली की जनता की रसोईयां बंद थी जब दिल्ली के लोग त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहे थे कोविड के काल में तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनेगा और उस फतवे के बाद किस प्रकार से वियतनाम से फ्लोरिंग आई करोड़ों रुपए की इंडिया गठबंधन मजबूती से भाजपा को चुनौती नहीं दे रहा बल्कि मैदान से बाहर कर रहा है उस समय उसके घटक के मुख्यमंत्री क्या किस चीज की आप जांच करा रहे हैं मकान कौन सा मकान जो सरकारी मकान है क्या सीबीआई जांच मणिपुर की नहीं कराएंगे आप पहले आज टीम भेजी है जब कितनी लाशें गिर सीबीआई आप उन पूंजीपतियों के हक हाँ नियत नहीं, नहीं भेजेंगे जिन पे सीधा सीधा आरोप है क्या आप सीबीआई वहां नहीं भेजेंगे जो आपके मित्र हैं जो आपका पैसा लेके भाग गए हैं उस पर आप खामोश करिए आपको अधिकार है कहीं भी भ्रष्टाचार है वो सामने स्पष्ट आना चाहिए लेकिन टाइमिंग को लेकर मैं जरूर